शुक्रवार को नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चेयरमैन पद के लिए घोषित किए जाने वाले उम्मीदवार को लेकर जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ व प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम सिंह ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली सशक्त उम्मीदवार प्रीति मान को घोषित किया। वहीं उन्होंने भिवानी वासियों से उनके उम्मीदवार घोषित होने के बाद अधिक से अधिक मत देने की अपील की। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थानीय तोशाम रोड स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा भिवानी नगर परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा की गई, जिसमें बीजेपी द्वारा हर्षवर्धन मान की पत्नी प्रीति मान को अपनी टिकट दी गई है। वहीं इस अवसर पर प्रीति मान ने कहा कि यदि वे आने वाले समय में नगर परिषद के चुनाव जीतती हैं तो उनका सबसे बड़ा काम शहर के सौंदर्यकरण का व शहर के विकास का रहेगा। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने कहा कि 26 कैंडिडेट में से प्रीति मान को बैठक के बाद चुना गया है तथा आने वाले समय में अवश्य ही वे चुनाव जीतेंगी। मैं एक सिंपल से परिवार से बिलोंग करती हूँ, चरखी के निवासी रहे हैं हम। पहले ग्रेजुएशन करी है मैंने दादरी से, चरखी दादरी से। भिवानी में मेरी शादी हुई है, जहाँ मेरी शादी हुई है वो लोग राजनीति में चारू रूप से सक्रिय थे। उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है और मुझे भिवानी नगर परिषद से प्रत्याशी बनाया है, तो मैं मनोहर लाल जी और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, सांसद धर्मवीर जी, भिवानी अध्यक्ष शंकर धूपड़ जी, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, विधायक घनश्याम सराफ जी व विधायक विशंबर जी वह भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ। भिवानी की सुंदरता को बनाए रखना मेरा सबसे बड़ा एम होगा और मैं हर सफल प्रयास करूँगी उस सुंदरता को मैं इम्प्रूव करूँ। उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, मैं मेरी लाइफ में तो इतना इफेक्ट मानती हूँ कि काश मैं भी उनको देख पाती। वो बहुत ही महान आदमी थी, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत नहीं थी कि मैं उनके दर्शन भी कर पाती लाइफ में एक बार भी। तो उन्हीं का असर पड़ रहा है ये कि मेरे को ये मौका मिला है कि भिवानी में मैं काम करूँगी, हर सफल प्रयास करूँगी, भिवानी की हालत को और भी बढ़िया बनाऊँगी। अब आप जो जो चुनाव में जाएंगे आगे बढ़ेंगे। प्रीति को चुना गया, हर्षमान जी की वाइफ हैं और हर्षमान हमारे साथी, हमारे क्लास फेलो रहे, ओम प्रकाश मान जी के बेटे हैं। ओम प्रकाश मान जी भी भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और वह भी बहुत मेहनत से कार्य करते थे, जी सहकारिता प्रमुख रहे और सभी कार्य पदों पर करते हुए पार्टी को बहुत ऊपर उठाने का काम किया। उसी परिवार से आज हर्ष की पत्नी और हमारी बेटी रितु मान को यह गौरव मिला है, प्रीति मान को यह गौरव मिला है कि नगर परिषद की चेयरमैन के उनके रूप में कैंडिडेट चुनी गई, प्रत्याशी चुनी गई हैं। और जो शहर की आज डिमांड थी कि जिस तरह भिवानी के अंदर घोटाले पे घोटाले हो रहे थे, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ तक ये जाएगा, तो उन सबको नकार के बिल्कुल एकदम नया चेहरा, नई पहचान और नई ऊर्जा के साथ हमारी बेटी को प्रत्याशी बनाया गया है। और हम आप सबको भरोसा दिलाते हैं कि हम पूरी पार्टी आने वाले चुनाव में जीत हमारी बेटी करेगी, जीतेगी बहुत भारी बहुमत से। और उसके बाद पूरी ईमानदारी के साथ नगर परिषद में कैसे कार्य किया जाता है, क्योंकि यह कमल के फूल के रूप में हमारी बेटी काम करेगी। 26 आवेदन आए थे इसे चेयरमैन के नाते से, हमने स्क्रूटनी करके जब वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी जो टीम थी इलेक्शन कमेटी, उनके सामने जो हमने दिए, तो उन सब के बारे में हमने जो है डिटेल में सारी बातें बताई उनको। और हमने एक आग्रह किया कि क्योंकि
बाकी चीज़ें जो है चल रही हैं भिवानी में, तो एक साफ सुथरी छवि का एक कैंडिडेट अगर भिवानी को दिया जाए, और जो राजनीतिक परिवार से तो हो ही, लेकिन एक ऐसा काम करके बताए कि भिवानी, अभी साथी कह रहे थे पत्रकार, एक दो साथियों ने बताया कि भाई जो पाप जो कर रखे हैं जो है कमेटी ने, तो वो जो है थोड़ा सा धुले और उससे ठीक हो जाए अपना, अपनी नगर पालिका नगर परिषद के काम इतना ज़्यादा तरक्की से आगे बढ़े। देखिए पोटेंशियल तो है और भिवानी में काम करने के लिए बहुत है, और मेरा ऐसा मानना है कि प्रीति को जो टिकट मिली है तो एक्सपोजर धीरे धीरे होगा, और अब जब एक्सपोजर होगा तो बाकी चीज़ें भी प्रीति समझ के और जो है अच्छी प्रकार से कर पाएगी, ये हम सबका विश्वास है।